This one substation, Khanyan substation, 132 kV by 33 by 11 kV substation. This is the view of the total substation, and the view of the substation mainly the main bus bus. Front of the this one is the incoming line, and the incoming line through the many protection using the bay. Using isolator, circuit breaker, then after isolator, CT, using the flow the power in the main bus. Main bus is inside of the this side of the substation is the main bus, and then this one wire is connected in this is the connected through the transformer, and the this one ये जो गोल्ड कलर का है इसको हम लोग सीबीटी कहते हैं या वेब ट्रिप, और जो बहुत सारे इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगा रहता है जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये है इंसुलेटर। उसके बाद से जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा रहता है उसको कहते हैं हम लोग बुशिंग, वो बुशिंग इसलिए रहता है सेफ्टी पर्पज के लिए, सर्ज अरेस्टर उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे चार ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, उसमें एक है 6.3 MVA, और दूसरा वाला जो ये आप देख रहे हैं ये वाला ये 31.5 MVA, एंड उसके बाद जो ये है वो 31.5 MVA, उसके बाद फिर एक और ट्रांसफार्मर जो आपको हम दिखला नहीं पा रहे हैं वो 6.3 MVA। तो ये सब पावर ट्रांसफार्मर है। इसका ये जो वायर देख रहे हैं ये जो वायर है ये इनकमिंग वोल्टेज है 132 kV, और जो ये आप देख रहे हैं इस साइड में ये जो है यहाँ से पावर टू आउटपुट हुआ है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज हुआ है 33 kV। इसके बाद 33 kV को यहाँ से आप देखिए ये दिस वायर के थ्रू इसको हम लोग यूजिंग द बे मतलब आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर एंड द आइसोलेटर यूजिंग सिटी इसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा लोकल सब स्टेशन है DCL के अंडर में, तो DCL के अंदर में यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट में खन्यान 1, खन्यान 2, कामरपाड़ा और पांडुआ 1, तो ये चार ठो सब स्टेशन में यहाँ से पावर जा रहा है। तो वो क्या वहाँ पे जो पावर जा रहा है वो 33 kV है, इनकमिंग या इनकमिंग वोल्टेज है यहाँ पे आपका 132 kV, और आउटगोइंग वोल्टेज है 33 kV। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा, अब बाहर में इस साइड देखिए ये जो है ये है आपका आउटगोइंग, और जो आप देख रहे हो उस साइड में बड़ा वाला पोल ये देखिए यहाँ से जो पावर ढुक रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये पावर इनकमिंग नहीं, ये लाइटिंग के लिए दिया हुआ है। इस साइड में आप देखिए तीन, उस साइड में देखिए यहाँ पे तार जो आया हुआ है वो जो है वहाँ से पावर इनकमिंग हो रहा है, और जो इस साइड में आप देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे और न्यू इंस्टॉलेशन होगा। और यहाँ पे और कुछ तो बतला रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में वो रिले रहता है उसको बुक होल्स कराते हैं, और जो ट्रांसफार्मर का मेकिंग है जो कंपनी बनाया उसको क्रॉम्पटन ग्रिप्स कहते हैं, क्रॉम्पटन ग्रिप्स ने इसको बनाया। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 33 kV से 11 kV करता है। ये जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर देख रहे हैं 6.3 MVA ये क्या करता है 33 kV से 11 kV करता है। 11 kV हम लोग नॉर्मली अपना सब स्टेशन यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे जो लोकल पर्पस जो यहाँ के निवासी उसके लिए हम लोग ये पावर को भेजते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर है, एक ये है और उसके बाद एक और है, तो इसको अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो 33 kV लाइन है, सॉरी 33 kV लाइन है उसको अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थिंग और हम लोग का जनरल पर्पस 33 तो डायरेक्ट 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके उसको हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली लाइट हुआ, फैन हुआ, हम लोग सब स्टेशन को यूज़ करते हैं। ये जो टोटल है यहाँ पे मेन दो बस होता है, एक मेन बस होता है, एक ट्रांसफर बस होता है। मेन बस में जनरली काम करते हैं, जैसे कि मेन बस हमको ऑफ करना है, मेन बस हम ऑफ करके उसको पावर को हम लोग ट्रांसफर बस में यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर बस जो होता है वो स्टैंड विथ होता है, ट्रांसफर बस को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मेन बस में हमको कोई काम करना है या सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना है तो उस समय हम लोग ट्रांसफर बस को यूज़ कर सकते हैं।
बट यहाँ पे दो इनकमिंग लाइन, एक सातगछिया और एक BTPS, दोनों से हमको पावर मिल रहा है BTPS से भी और सातगछिया से भी। जैसे हमको BTPS से पावर आ रहा है तो हम लोग बे के थ्री यूज कर रहे हैं, तो आइसोलेटर ब्रेकर आइसोलेटर सिटील देकर, क्योंकि ब्रेकर में अगर कोई फॉल्ट हो तो उसको काम करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको ऑफ करके उसको वह पावर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर बस में भेज देते हैं, ट्रांसफर बस बस के थ्रू। और देखिए ट्रांसफर बस कटा हुआ या कनेक्टेड है, यहाँ से पावर फिर मेन बस के थ्रू चला जाता है। लेकिन अगर दोनों सातगछिया और BTPS का दोनों में ही फॉल्ट हो तो ट्रांसफर बस से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किसी एक में ही फॉल्ट हो तो हम लोग ट्रांसफर बस के थ्रू पावर को आउटपुट कर सकते हैं, और दोनों में फॉल्ट हो गया तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द टोटल व्यू ऑफ द सब स्टेशन, दैट इज द सब स्टेशन नॉन एज द अंडर द WBACTCL, एंड द आफ्टर डेट इज कन्वर्टेड टू द DCL। थैंक यू।